इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। पिछले प्रोग्राम में तब ने कहा था कि उनको फौरन जाना चाहिए था, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि उनको पहले रोज़ जाना चाहिए था, क्योंकि वो उससे पहले जा चुके थे। वो रिवायत कायम कर चुके थे इस बात की कि वो पहले एक बार जा चुके थे। वहाँ उन्होंने ऐलान किया था कि हमारे दौर में अगर ऐसा खुदा ना खास्ता हुआ तो हम ये बहाने नहीं बनाएंगे कि भारत ने किया, उसने किया, हम जिम्मेदारों को लटका देंगे। ये वादा करके आए थे। वो तकरीर मौजूद है, गूगल पे मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। गिल और ये जो पार्टी है वहदतुल मुस्लिमीन, इससे तो ये तो उनके इत्तेहादी भी है। गिलगित बल्तिस्तान में साथ भी दिया है इन्होंने। अब आज ये कहना 5-6 दिन के बाद के ब्लैकमेलिंग हो रही है, ब्लैकमेल ना किया जाए, मैं तफ्तीश के बाद आ जाऊंगा, मैं बहुत हर्ड हुए लोग। मैं सबको जानता हूँ, हमारे जाहिर है मीडिया में तो हर तरह के लोग हैं, हर मकतब के लोग हैं, दोस्तों में भी। इस वक्त भी सूरत आ रही है कि कराची में मैं समझता हूँ 3-4 लाख अफराद इलाकों में फंसे हुए हैं, धरने जा रही हैं। धरनों के बारे में बाद में बात कर लेंगे हम। लेकिन ये कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहकर एक अजीब व गरीब माहौल को जन्म दिया है, और वह माहौल उनके अपने मौक़ के ख़िलाफ़ है, अपने पहले कई बातों के ख़िलाफ़ है। अच्छा, इससे पहले 2018 में भी वाक़ हुआ था, तो आर्मी चीफ गए थे, तो क्या आर्मी चीफ ब्लैकमेल हुए थे, एक सवाल ये। और उससे पहले 2013 में जब राजा परवेज अशरफ की हुकूमत, तो वो खुद गए थे और जाके उन्होंने अपनी सूबाई हुकूमत को बरतरफ कर दिया था कि उस वक्त 100 अफराद शहीद हुए थे वहां पर। तो अच्छा, तीसरी आज जो एक कैंपेन लॉन्च हो रही है वो कुछ वो ऐसे मुतालबात की है, तो बड़े हैरत अंगेज हैं कि वो मुतालबे किए गए। तो पहले तो हुकूमत जाए ना जाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ना जाए बेहतर है अब, क्योंकि इतना दिल बुरा लोग हो चुका है। मेरा तो मशवरा ये है कोयटा वालों को, बिरादरी वालों को, कि आप सब्र करें, तदफीन करें और दुआ करें उनकी मगफरत के लिए, सबकी मगफरत के लिए, और सबकी कोई आजमाइश में ना आए, बुरा वक्त है उनके लिए। उसमें जो गैर मुल्की हैं, अगर अफगानिस्तान मांग रहा है तो जाए ना हुकूमत पाकिस्तान, हवाले करें अफगानिस्तान को। उनमें 3 के बारे में कहा जाता है कि वो गैर कानूनी तौर पर आए, तो वो कैसे आ गए भाई, आपके बॉर्डर बंद नहीं है, आपने बाड़ी लगाई हुई है, वो स्नीकिंग हुए ताकि जॉब की उन्होंने। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर का जो आज का बयान है बहुत अफसोसनाक, मतलब आप कह रहे हैं एक तो ये कि उनका फैसला दुरुस्त नहीं है, ऊपर से इस बयान देने के बाद उनका जाना ना जाना एक बराबर हो गया, वो चले भी जाते तो शायद वो तासीर ना रहे उनके जाने की। ठीक, जुनेरा किस तरह से देख रहे हैं आप इस स्टेटमेंट को जो प्राइम मिनिस्टर ने दी, कोयटा ना जाने का फैसला टिल तदफीन, जब तक तदफीन नहीं हो जाती, ठीक कह रहे हैं वो उनके नजदीक, ठीक है। उनके नज़दीक ठीक ही होगा जो उन्होंने ये बात कही है, लेकिन मैं तो इसको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंड नहीं कर सकती, ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह इस सारे मामले को डील कर रहे हैं जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने मॉडल टाउन के वाक़े को डील किया था। जो बेहिसी होती है ना गवर्नमेंट में जब आप बैठे होते हैं, वो आम एक आम इंसान के तौर पे, एक आम कलेक्टिव ऑर्डर के तौर पे शायद उतनी नोटिस ना होती हो, जो जब आप किसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होते हैं, जब आप उस वक्त दिखाते हैं तो उससे क्या रिपल इफेक्ट जाता है और उसके इफेक्ट्स कहाँ कहाँ नज़र आएंगे आपको। मेरे ख्याल है ये जजमेंट कॉल गलत दे गए हैं प्राइम मिनिस्टर। ऑन द टॉप ऑफ इट, अगर आपसे गलती हो जाए, आप इंसान हैं, गलती हो जाती है, एक तो ये कि कोई ईगो 4-5 जिंदगियों से बड़ी नहीं होती कि आप माफ़ी ना मांग सकें, और माफ़ी मांगना तो दूर की बात है, मैं प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि इट इज़ नॉट इन हिज डिमीनर, वो आदी नहीं है माफ़ी मांगने के। लेकिन उसके साथ जिस तरीके से वज़रा को भेजा
उन बुजरा ने जैसे वहां जाके बिहेव किया, इनसेंसिटिव इज द राइट वर्ड फॉर इट, आप उन लोगों को भेज रहे हैं जिनको जिरगा सिस्टम, जिनको कबायली रवायात, जिनको उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेंसिटिविटीज क्या हैं उनका पता ही नहीं है। क्या आपने या NBC हम सब लोगों ने नहीं देखा वो वहाँ जाके किस तरीके से बात कर रहे थे उनके उलमा से? क्या वो टोन ठीक थी? क्या वो बॉडी लैंग्वेज ठीक थी? तो ब्लंडर पे ब्लंडर आई वुड से। ये बात अलहदा है, इस वक्त ये बात मैटर नहीं करती कि ठीक है थ्रेट किधर से थी, क्या हुआ, सिटिंस क्यों हो रहे हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटर्स क्या हैं इन सब के पीछे, इस वक्त वो मैटर नहीं करता। इस वक्त उन लोगों के जज्बात सबसे मुकदम है, और अगर आप एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको केटर नहीं कर सकते तो आपको हर्ट करने का भी कोई हक नहीं है। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मुना, वज़ीर-ए-आज़म का जो बयान है उस पर यकीनी तौर पर सभी बहुत मज़म्मती बयानात भी दे रहे हैं, और हर बंदा अफसरदा भी कि उन्होंने ऐसी बात कैसे कर दी। फिर क्वेटा ना जाने का फैसला, साथ साथ ये भी कह दिया कि आप तदफीन करें उसके बाद मैं फौरी तौर पर आ जाऊँगा। देखिए ज़रियाब, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मीनवाइल मेरी आवाज पर लटके एको हो रही है, इफ यू कुड प्लीज रिजॉल्व दिस, लेकिन आई वुड गो ऑन द एक्सप्लेन। मैं ये करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये एनालॉजी गलत है। एक तो अपोजिशन से जो इक्वेट करना कि अपोजिशन जो है वो जैसे वो ब्लैकमेल कर रहे हैं अपने केसेस के लिए कि विड्रॉ कर लें तो वो सब जो तहरीक है खत्म कर देंगे, ना इनकी एनालॉजी बनती है अपोजिशन से, क्योंकि हजारा बिरादरी और हजारा कम्युनिटी जो इतने अरसे से अंडर अटैक रहे हैं, अंडर थ्रेट रहे हैं, 1600 के करीब इनके इनकी शहादतें हैं सिर्फ इस खसूस एक बिरादरी से, और मुझे खुशी होती है देख कर के हर फजूल सी चीज पे हमने देखा है कि हमारे लोग निकल पड़ते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन आज मैं समझती हूँ एक यूनिक इंस्टेंस है जब मुझे खुशी हो रही है कि मुल्क भर में ये जो एहतजाज है ये फैल चुका है और हजारा बिरादरी के साथ पूरा मुल्क एक तरह से सॉलिडेरिटी का मुजाहरा कर रहा है। हैविंग सेड दैट, ना इनकी एनालॉजी बनती है अपोजिशन से, यकीनन नहीं बनती, किसी भी तरह से नहीं बनती। इनका कोई पॉलिटिकल चैलेंज ठीक है, एक पार्टी जरूर है जो इनके मुतालबात को टेकअप करेगी, लेकिन वैसे अगर ओवरऑल आप सानिया को देखें तो उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं नजर आता है। दूसरी बात यह कि इनकी एनालॉजी जो जैसे TLP वगैरह के धरने या इस तरह की चीजें उनसे भी नहीं बनती। यहां पर ये मजलूम है, इनके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है मजलूमों के साथ। अगर इनकी एनालॉजी बनती है ना तो मुझे लगता है इनकी एनालॉजी बनती ये है जो वजीर आजम इमरान खान खुद भी याद करें, जब वो अपोजिशन में थे, अपोजिशन के लीडर थे, उस वक्त वो जैसे वाना जाया करते थे, एक्स फाटा जाया करते थे, जो ड्रोन अटैक्स के खिलाफ लोग निकलते थे, मजलूम होते थे, उन्होंने अपनी माएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, घर के मर्द सब उन्होंने खोए होते थे उन अटैक्स के नतीजे में, तो वो एक जो ऑप्रेस्ड के तौर पर निकला करते थे उन अटैक्स के खिलाफ, प्रोटेस्ट करते थे, धरने देते थे, वहां पर खान साहब को जाकर प्राइम मिनिस्टर नाउ शरीक होते थे, शिरकत करते थे। ये एनालॉजी बनती है इस वक्त ये जो हजारा बिरादरी का जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है उसके साथ। मुझे लगता है कि एक तो इस बात पे हमें बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने की वजीर आजम इमरान खान ने, देखें इंडियन एंगल से तो कोई भी हमें से इनकार नहीं कर सकता। अभी आप देख लें इवन UNCIP ने भी अब ये कह दिया है, उन्होंने एक बाकायदा रेजोल्यूशन टेकअप कर लिया है कश्मीर पे। दूसरा जो EU डिसइन्फो लैब ने एक्सपोज किया है भारत को, उनके प्रोपेगेंडा को, डोजियर हम भेज चुके हैं, वो अरब के बगल में बैठ गए हैं चोरों की तरह और बेशर्मों की तरह, उसका कोई आप देखें कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इन चीजों के ऊपर ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड करना जरूरी है, जो वजूहात हैं, जो इन 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 चीजों की वजह से जो एक्सप्लॉयट होने वाले हमारे एलिमेंट्स हैं वो यही वल्नरेबल लोग हैं, यही हजारा बिरादरी है, यही कम्युनिटी है। इसका तदारुक कौन करेगा अगर रियासत नहीं करेगी, रियासत पाकिस्तान नहीं करेगी? ये बयान तो खैर इटसेल्फ यकीनन उसके ऊपर तो तमाम लोग बात कर चुके हैं, उसके ऊपर जितना हम लोग कहें कि ये बहुत इनअप्रोप्रिएट और इसमें जो भी बातें की गई हैं, लेकिन मुझे इसका कोई जवाब भी समझ नहीं आता, इसकी एनालॉजी भी समझ नहीं आती। हैविंग सेड दैट, ये फैसला बिल्कुल गलत है कि नहीं करेंगे। उनके साथ वो मजलूम है, अगर वो किसी बात पे अपनी जिद लेकर बैठे हैं तो ये उनका हक है, वो इस ये तो मिनिमल है जो वो कर रहे हैं। मुझे लगता है इसके आगे अगर खुदा ना खास्ता वो कोई बहुत ही बड़ा स्टेप ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 6 रोज हो गए, पुराना एहतजाज है। तो दोस्तों ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म। आपने वीडियो देखा, आपको वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा इमरान खान ने जो
पुराने बयान दिए थे, मतलब जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था तो वो हजारा कम्युनिटी को लेकर काफ़ी सहानुभूति रखता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से दोगला बन चुका है। आपको पता है इमरान खान की एक कहावत मशहूर है कि इमरान खान अपने सगे संबंधियों के भी मतलब अंतिम संस्कार में नहीं जाते। अब मुझे नहीं पता अंतिम संस्कार को उर्दू में क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को, मतलब अंतिम संस्कार तो डेफिनेटली नहीं बोलते होंगे, तो उसमें नहीं जाते हैं। इनका भी कज़न मरा था, आपने सुना होगा इस बात को भी, काफ़ी फेमस हुई थी, तो ये उसकी मतलब अंतिम संस्कार में नहीं गए थे। और जब इनका साथी क्रिकेटर, आपको याद होगा स्पिनर मुश्ताक अहमद मरे थे, तो उनके भी अंतिम संस्कार, अब्दुल कादिर की डेथ हुई थी, तो ये उनके भी अंतिम संस्कार में नहीं गए थे। तो इमरान खान ऐसा कुछ बहुत मतलब मशहूर हैं इस तरीके की हरकतें करने में, जो अपने खास सगे संबंधियों के उसमें नहीं जाते हैं। तो यहाँ इमरान खान को एक बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता है हजारा कम्युनिटी पाकिस्तान में सिया मुसलमान है, और ये बिलोंग करती है एथनिक, मतलब ये बिलोंग करती है बेसिकली, ये है तो बलूचिस्तान और गिलगित में, मतलब जो लद्दाख का इलाका है गिलगित बल्टिस्तान उसमें थोड़ी बहुत है, और ये थोड़ी बहुत है बलूचिस्तान में। तो आपको बता दें कि ये जो सिया मुसलमान है, इसे पाकिस्तान में मतलब इमरान खान के सपोर्टर बहुत सारे लोग काफिर भी बोलते हैं, और सिया मुसलमान की हालत पाकिस्तान में उतनी अच्छी नहीं है, खासकर हजाराज की, क्योंकि हजाराज आपको पता है बेसिकली है तो मंगोल से, जब चंगेज़ खान ने अटैक किया था, आपको पता है कि अफ़गानिस्तान तक आ चुका था चंगेज़ खान, ये लगभग 12वीं या 13वीं सदी की बात है, तो उस समय चंगेज़ खान के जिस साथ आए थे वही लोग हजारा हैं, जो आज बेसिकली बुद्धिस्ट धर्म को छोड़कर आज मुसलमान बने हैं। आपको याद होगा चंगेज़ खान मुसलमान था, खान सरनेम जो मुसलमानों में आया है वो चंगेज़ खान की वजह से ही आया है। तो उसी हजारा कम्युनिटी, जो मतलब जिनके पूर्वज, जो जिनकी कहावत मशहूर थी कि ये लाशों की लाशें बिछा देते थे, मुंडों की मीनार बना देते थे, मतलब इतनी लाशें बिछाते थे जहाँ से निकलते थे वो एरिया में मतलब तबाह कर देते थे, वही हजारा कम्युनिटी आज पता नहीं अब ये कर्म का फल है या उनकी तो कोई गलती नहीं है, उनके पूर्वजों की गलती है, तो उनको मतलब इतना बेदर्दी से मारा जा रहा है जब से पाकिस्तान बना है। आपको बता दें जो अभी लास्ट जो 11 लोग मरे हैं, इन्हें पिछले मतलब उल्टे हाथ करके बांध दिया गया, फिर उन्हें बेदर्दी से मारा गया, एक परिवार के 5 लोग मर गए। ये बेचारे अब तो बहुत पीसफुल लोग हैं और मजदूर लोग हैं, बेसिकली इनको कोई बड़े पोस्ट पर तो काम करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि इन्हें डर डर कर रहना पड़ता है। तो दोस्तों वही हाल हुआ है पाकिस्तान में हजारा का, और हजारा को लेकर इमरान खान पहले भी बयान दे चुके थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, ये पुरानी बात है 5-6 साल, अब लेकिन ये वहाँ पर जा नहीं रहे हैं हजारा कम्युनिटी को। इन्होंने बोला था अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आऊँगा, इन्होंने पहले बोला था। तो दोस्तों आपको बता दें वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है, आपको पता होगा बर्फ़बारी होती है उस इलाके में, और जो एक ही परिवार के पांच लाशें हैं, उस परिवार की लाशें पिछले 5-6 दिनों से वहीं पर रखी हुई हैं और वो वेट कर रहे हैं इमरान खान का, क्योंकि इमरान खान ने उनको बोला था कि मैं ऐसा कुछ हुआ तो आऊँगा और उन लोगों को सजा दूंगा, मतलब पहले बोला था। अब ये लोग डील कर रहे हैं कि उनको कुछ थोड़े बहुत पैसे दे दें, अब समझ सकते हैं आप एक ही परिवार के 5 कमाने वाले अगर चले जाएं और उस परिवार की केवल महिलाएं बस बचें, तो उन्हें पैसे मतलब जो मुआवजा है कंपनसेशन है उससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये बहुत मतलब दर्दनीय दृश्य है, हालांकि अपोजिशन के जो लोग हैं वो जा चुके हैं, अब एज़ यूज़ुअल ये तो पॉलिटिक्स होने लगी है, आपको भी पता है ये होता है ऐसा इंडिया में और पाकिस्तान में भी हो रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं 5-6 दिन में चाहे कहीं पर भी लाश रखी हो, लाश की क्या हालत होती है, अगर उसे जल्द से जल्द उसका मतलब जो क्रियाकर्म है वो ना किया जाए, तो दोस्तों अब इमरान खान अगर 5 मिनट के लिए भी चले जाएँ तो शायद वो परिवार वहाँ पर मान जाए, लेकिन इमरान खान ने भी जिद पकड़ ली है और उन्हें ब्लैकमेलर कह दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं ख़त्म, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।